अब इस वाले फॉर्मूले को अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट में रिलेशन पता करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो कि मैं कहा जाए साहब, एक लेंस है, और उसके सामने ऑप्टिकल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेंस की फोकल लेंथ कुछ ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट उससे मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ। फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता कर एंड लेट्स से लेंस जो है वो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट में जा रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, तो वैसे तो ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिस्टेंस बदलती जाएगी, बट हमें क्या पता करना है, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर फाइंड द पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, शोन इन इसको क्या वेलोसिटी दिखाई देगी, ये हमें पता। तो भाई देखो, अल्टीमेटली जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं बच्चों, वो क्या यूज करने वाले हैं, डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीयू बाय। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ यू एंड बी यहाँ पे पुट करूंगा, डी यू बाई डी टी पुट करूंगा, डी वी बाई डी टी पुट करूंगा, ये मेरे को पता चल जाए। अब यू तो पता है, डी यू बाई डी टी भी पता, डी वी बाई वी नहीं पता, डी वी बाई डी टी तो पता लगाना है, तो वी पता लगा लेते हैं। वी कैसे पता लगाए, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास आ जाएगा 1/v - 1/u को मैं कितना लिख दूं, -20, और f को लिख दूंगा 40। तो 1/v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 1/40 - 1/20। ऐसे 40 एलसीएम ले ले, तो ये बन जाएगा 1 - 2, तो b की वैल्यू -40। b की वैल्यू आ जाएगी कितना, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो dv/dt, देखो डीवी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो डीवी बाई डी टी को हम लिखते हैं वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, या इसको वी बाई यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वी बाई यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई।
अब du by dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेंस. du by dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेंस. तो du by dt की जगह हम क्या रखेंगे भाई? राइट साइड को पॉजिटिव लें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस. dv by dt को लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू, ये तो 2 का स्क्वायर होकर के 4 आ जाएगा. इधर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस. अब ये लिखते समय राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव ले लेते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख देंगे इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस 1 हो जाएगा. तो वी आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3. 4 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 12. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी बेटे? माइनस 11 सेंटीमीटर पर. तो इसको क्या लगेगा कि इमेज जो है वो कहाँ बन रही है भाई? ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये बन रही है यहाँ. कितनी दूरी पर? लेंस से इस समय पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही. और किधर जा रही है? माइनस 11. तो लेफ्ट साइड में 11 सेंटीमीटर पर. ये पूरा मेथड देख लो भाई, समझ में आया सबको? नोट कर लो इसको. सर इमेज भी लेफ्ट साइड ही बन रहा है क्या? लेफ्ट साइड ही बन रहा है ना. v माइनस 40 आ रहा है ना बेटे. v कितना आ रहा है? माइनस 40 आ रहा है ना. देखो ये नोट किया भाई, अगली स्लाइड पे चले अपन. यस सर. अब देखो क्या है, हम कुछ यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं फॉर सम इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज. Or some critical positions of. तो देखो बेटे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है, पता होना चाहिए कि एज पर द लेंस फॉर्मूला
वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। इसमें अगर आप u को इन्फिनिटी सब्सिट्यूट कर दोगे तो v की वैल्यू f के बराबर आएगी। पुट करके देख लो इस इक्वेशन, वन बाई वी माइनस वन बाई यू को इन्फिनिटी रखो तो v किसके बराबर आएगा, f के बराबर। अब देखो रे डायग्राम इस केस के दो तरीके से बन सकता है। कन्वर्जिंग लेंस के लिए f पॉजिटिव होता है, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो f अगर पॉजिटिव है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, ये जो पहला केस मैंने लिया है इसका रे डायग्राम कुछ इस तरह का बना सकते हैं। और इसी केस में अगर मेरे को डाइवर्जिंग लेंस का डायग्राम बनाना है, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा बेटे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब पैरेलल रेज आ रही। अब देखो इसका ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसकी तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइड पे लाई करना चाहिए, यानी इस केस में लेफ्ट में लाई करेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये इन रेज को इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है ना, ये पहले केस का डायग्राम हमने देखा फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ लेंसेस, कन्वर्जिंग के लिए भी और डाइवर्जिंग के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस हम लेंगे वो क्या है, मान लो हम चाहते हैं कि इमेज इंफिनिटी पर बन जाए। इमेज कहां पर बन जाए, इन्फिनिटी पर। इमेज इन्फिनिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फ्रॉम लेंस रेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो v को इन्फिनिटी रख दोगे अगर आप इस एक्सप्रेशन में, तो u को माइनस f रखना है। देखो v को इन्फिनिटी रख दो इस लेंस फॉर्मूले, तो u को क्या रखना पड़ेगा, माइनस वन बाई इन्फिनिटी विल बिकम जीरो, माइनस वन बाई यू इज वन बाई एफ, तो u बिकम्स इक्वल टू। अब इसमें फिर से दो रे डायग्राम बनेंगे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस अगर है फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है ना, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे, तो उसके लिए तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा साहब कि आप यहां से f डिस्टेंस पे जाकर के एक ऑब्जेक्ट को रख दो, इससे निकलने वाली रेज जब लेंस पे इंसिडेंट होंगी तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा बेटा, देखो डाइवर्जिंग लेंस का तो फोकल लेंथ पहले से ही नेगेटिव होता,
फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? U माइनस एफ रखना है फिर, माइनस एफ, एफ इटसेल्फ इज नेगेटिव फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो डाइवर्जिंग लेंस से अगर आप चाहते हो कि इमेज इन्फिनिटी पर बना दे या रिफ्लेक्ट होने के बाद रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसे रखना पड़ेगा कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आए। अब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए? वो एक ही केस हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट हमारे सामने कैसा हो बेटे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार की रेज आकर के इंसिडेंट हो रही है। रेज इस प्रकार के आकर के इंसिडेंट हो रही है। तो इस और f डिस्टेंस पर मिल रही, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? u इक्वल टू माइनस f। ये कैसा काम कर रहा है? ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से रहे, दिस विल बी लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इससे निकलने के बाद रेज कैसी हो जाएंगी बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इससे निकलने के बाद रेस जो होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाला डायग्राम क्लियर है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो जो हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इनको ध्यान से समझ लो, नोट कर लो इनको।
डन सर। ओके बेटा। अगला जो इंपॉर्टेंट केस यहां पे आता है वो है क्या कि अगर यू की वैल्यू को मैं -2f रखूं, इफ आई पुट यू इज इक्वल टू -2f, देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम u को रखते हैं कितना, -2f, तो ये आ जाएगा 1/f के, तो 1/b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 1/f - 1/2f। यहां से हमने 2f एलसीएम लिया तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है, u अगर -2f हुआ तो v कितना आ जाएगा, 2। अब इसके लिए अगर अपन बात करें एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए कैसा डायग्राम बनेगा, f जिसकी पॉजिटिव, तो उसके लिए f पॉजिटिव है, u -2f होने का मतलब क्या हुआ बेटे कि रियल ऑब्जेक्टिव हो गया क्योंकि u नेगेटिव आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये 2f के बराबर, तो v प्लस 2f आ रहा है, मतलब दूसरी तरफ इमेज बन जाएगी और उतने ही डिस्टेंस पर बन जाएगी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यही चीज मैं एक डाइवर्जिंग लेंस के लिए करूं, डाइवर्जिंग लेंस का f पहले से ही नेगेटिव, तो u को -2f रखेंगे, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, u पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2f इतनी डिस्टेंस पर हमें एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना पड़ेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटे, इस तरह की रेज आ रही, तो ये इमेज कहां पे बनाएगा बेटे, ये इमेज प्लस 2f पे बनाएगा, प्लस 2f का मतलब क्या हो गया, f नेगेटिव है, तो 2f का मतलब हो गया इमेज का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, मतलब इमेज इधर बनेगी, कैसे बनेगी, ये इन रेस को डाइवर्ज कर रहा, ये इन रेस क्या कर रहा है, डाइवर्ज,
ये जो डिस्टेंस आई है ये भी कितनी आई है, मॉड टू एफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एफ नेगेटिव है ना, क्या ये दोनों बातें ये तीनों केस समझ में आए अपने को बच्चा? Yes, sir. सर ये डाइवर्जिंग का वापस बताओ ना, टू एफ वाला। हाँ बेटे देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, तुम ऐसे सोचो कि हमने कहा है u को मेरे को कितना रखना पड़ेगा माइनस टू एफ, तब जाकर के इमेज जो है वो बनेगी कितना, इमेज बनेगी प्लस टू एफ पर, ठीक है बेटे? हाँ सर वो समझा, पर वो कॉनकेव वाला। हाँ कॉनकेव वाला ही मैं समझा रहा हूँ, कॉनकेव वाले में क्या है f अपने आप ही नेगेटिव है, f इज ऑलरेडी नेगेटिव, है ना बेटे? f अगर नेगेटिव है तो जब आप बोल रहे हो कि u को माइनस टू एफ रखो तो माइनस ऑफ टू एफ पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यू अगर नेगेटिव है तो एफ अगर नेगेटिव है तो माइनस टू एफ अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ भाई, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, जो इंसिडेंट बीम होनी चाहिए वो कन्वर्जिंग टाइप की होनी चाहिए, और वो जहां पर लेंस के आगे एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट कर रही होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात बेटा? यस सर। ओके तो अपन इसमें आगे सर, इससे पहली वाली स्लाइड को वापस दिखाइए ना। हाँ बेटा थैंक यू सर। सर ये सारे केसेस तभी पॉसिबल है ना जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो सराउंडिंग से। हाँ मतलब देखो हम तो मान रहे हैं कि मैंने वहां पर स्पेसिफिकली लिख दिया है कि एफ पॉजिटिव है और एफ नेगेटिव है ना। यस सर। ठीक है ठीक है बेटे, नोट कर लिया ये सबने, सबका हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसकी कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, एक और एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ माइनस फाइव सेंटीमीटर और ये कोएक्सियल है, मतलब दोनों की ऑप्टिकल एक्सिस कोइंसाइड कर रही है, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ बोथ द लेंसेस कोइंसाइड
एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस लेफ्ट से ट्रेवल करती हुई आती है और कन्वर्जिंग लेंस पे इंसिडेंट। हमें पता करना है व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस so that the beam again becomes parallel to principal axis after emerging from second lens. सेकेंड लेंस से निकलने के बाद ये फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। उसके लिए इन लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए ये हमें पता कर। सर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इज करेक्ट। वेरी वेरी बाकी लोगों का आया सर 50 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, जैसे ही इस पर हमने लाइट इंसिडेंट करी ये कन्वर्जिंग लेंस तो उन रेस को अपने फोकस की तरफ भेज देगा और उसका फोकस कहाँ पे लाई करता है उसका 20 सेंटीमीटर। उसका फोकस लाई करता है 20 सेंटीमीटर पर प्लस 20 पर राइट। तो ध्यान दो कि जो पहला लेंस है उससे निकलने के बाद लाइट रेज चल पड़ेंगी किस पॉइंट की ओर, जो कि उससे 20 सेंटीमीटर आगे। ये जो डिस्टेंस आएगी ये 20 सेंटीमीटर के बराबर। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. अच्छा अब हमें ये पता है कि डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या करना होता है। डाइवर्जिंग लेंस में अगर कन्वर्जिंग टाइप की रेज इंसिडेंट जो कि उसके फोकल लेंथ की तरफ फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर उससे कन्वर्ज हो रही हो
तो वो क्या करता है, उनको अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट हो, ये पॉइंट इस डाइवर्जिंग लेंस के 5 सेंटीमीटर राइट में आ जाए। मतलब डाइवर्जिंग लेंस को मैं इस प्रकार से अगर रख दूं, देखना बच्चों कैसे, डाइवर्जिंग लेंस को अगर मैं इस तरह से रखूं, so that this distance comes out to be equal to 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये डाइवर्जिंग लेंस इन रेज को अपने पैरेलल रीडायरेक्ट कर दे? तो ये मतलब यहां तक रेज नहीं जा पाएंगी और डाइवर्जिंग लेंस से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हमें इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी पता करनी है, तो इस डायग्राम से क्लियर है कि d प्लस 5 कितना होना चाहिए, 20, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 15 सेंटीमीटर d की वैल्यू। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब देखो इसमें एक अच्छा सवाल और पूछा जाता है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम assuming 100% transmission, calculate the ratio of intensity of transmitted and incident. The previous problem, assuming 100% transmission, calculate the ratio of intensity of transmitted and incident. नहीं देखो बेटे, इंटेंसिटी क्या, अगर ये मैं रेशियो ये पूछता ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट एनर्जी या ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट पावर, तो ये रेशियो 1 आ जाता। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी of light beam is energy carried by it per unit time, per unit area. जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर ट्रांसमिटेड बाय लाइट बीम पर यूनिट एरिया, पावर ट्रांसमिटेड बाय लाइट बीम पर यूनिट आ जाएगा वॉट पर मीटर।
अच्छा अब सोचो, अब ये मैंने तुमको डेफिनेशन बताई है ना, अब इस हिसाब से सोचो देखो क्या है। सर आप ही बता दो। सोचो सोचो थोड़ा, एक बार सोचो। देखो पावर तो सेम ये ट्रांसफर कर रहा है ना, यस सर, लेकिन जो पावर इंसिडेंट बीम के पास थी वो लार्जर एरिया में स्प्रेड, और जो ट्रांसमिटेड बीम की पावर है वो कम एरिया में स्प्रेड हो गई है ना। इस तरह से देखो तो कि अपने पास कैसा डायग्राम बन रहा था बेटे, ये एक कन्वर्जिंग लेंस था और ये उसके सामने एक डाइवर्जिंग लेंस रखा, और यहाँ पे जो रेज आई थी वो कुछ इस तरीके की, पैरेलल रेस पे इंसिडेंट, और इस पैरेलल रेस को इसने क्या किया था, अपने फोकस की तरफ भेज दिया था जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, दिस डिस्टेंस वाज व्हाट 20 सेंटीमीटर्स, और हमने डाइवर्जिंग लेंस को कितनी दूरी पर रख दिया, 15, डाइवर्जिंग लेंस को मैंने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, तो उससे क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर पहले लेंस ने कन्वर्ज किया था वो पॉइंट डाइवर्जिंग लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया, तो अब उसकी वजह से इस डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया, इन रेज को वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिडायरेक्ट कर दिया ना, और यहाँ पे रेज नहीं जा पाई, ये इस जगह पर रेज नहीं जा पाई, देखो तुम्हारा जो इंसिडेंट बीम है उसका डायमीटर इतना है पूरा बेटा, दिस इज द
कंप्लीट डायमीटर ऑफ योर इंसिडेंट है या नहीं, और जो रिफ्रैक्टेड बीम है उसका डायमीटर कितना सा होगा, ठीक है। जितनी एनर्जी इंसिडेंट बीम लेकर के आ रहा था वो लार्जर एरिया में स्प्रेड थी, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया की वैल्यू यहाँ और एनर्जी पर यूनिट एरिया की वैल्यू यहाँ मेरे को निकालना। तो मान लो देते हैं कि यहाँ इंटेंसिटी आई वन है और यहाँ की इंटेंसिटी आई टू है, तो मेरे को आई टू बाई आई वन का रेशियो निकालना। अब I2 by I1 का रेशो क्या लिखूं, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम तो इधर भी उतनी है, तो P डिवाइडेड by A2 डिवाइडेड by P डिवाइडेड by A1 ऐसा करना पड़ेगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर दोनों सेम कैरी कर रहा है, जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ आई उतनी यहाँ गई उतनी ही यहाँ रही, लेकिन अब वो एनर्जी कम एरिया में जा करके गिर रही है तो उस एरिया की मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो कितना हो जाएगा A1 by A2। और एरिया तो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर बोल सकते हैं। ये चीज D1 है और ये वाली चीज, अब देखो ये D1 और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों बराबर है। Yes, sir. इसको AB नाम और उसी तरह से D2 इतना डिस्टेंस इसको CD नाम दे और इस पॉइंट को हम F। तो अब मुझे D1 और D2 का ही तो रेशो पता करना है, ये रहा D1 और ये रहा। तो देखो ट्राइंगल ABF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF, ABF और CDF ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, इनमें साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB डिवाइडेड बाय F से जो AB की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है बेटे 20। तो AB डिवाइडेड बाय 20 ये किसके बराबर होना चाहिए, CD डिवाइडेड बाय 5। CD की जो F से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस वो कितनी है, दैट इज 5। तो इसका मतलब AB और CD का क्या रेशो आ गया फिर 20/5 यानी 4:1। AB ही तो D1 है, CD ही तो D2 है, तो D1 और D2 का क्या रेशो आ गया 4:1। इस रेशो को यहाँ पे पुट कर दो आप, तो इसका मतलब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी I2 और I1 का क्या रेशो आ जाएगा 16:1, ये रेशो आ जाएगा कि नहीं बेटा। यस सर। तो इस प्रकार से अपन ये पता कर सकते हैं। देखो और एक क्वेश्चन इस तरह का करते हैं, ये नोट कर लिया सबने, अगले क्वेश्चन पे चले।
यस सर। बाकी लोगों को और भी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। मान लो आपको कहा जाए कि ये दो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, एक की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ है लेट्स से 15 सेंटीमीटर। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट किया किस पर? लेंस वन पर। मैं पता करना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी सो दैट रे अगेन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम लेंस टू। फाइंड डी सो दैट after emerging from lens 2 rays become parallel to the principal axis. थर्टी फाइव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। क्योंकि देखो पहले तुम इस वाले लेंस को देख लिया करो, लेंस टू, बाद वाले लेंस को पहले देख लो। उससे मेरे को पैरेलल रेज चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि रियल ऑब्जेक्ट टाइप का होना चाहिए उसके लिए 15 सेंटीमीटर से रेज आनी, तब जाके उनको वो क्या करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए? दिस डिस्टेंस मस्ट बी 15 सेंटीमीटर। पहला लेंस क्या करेगा? वो खुद से निकलने वाले रेस को खुद से 20 सेंटीमीटर आगे कन्वर्ज करेगा। तो ये जो पॉइंट है इसके 20 सेंटीमीटर पीछे तुम पहले लेंस को ले जा करके रखो। पहले लेंस को ले जा करके इस वाले पॉइंट से कितना दूरी पर रखें अपन? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ये जो डिस्टेंस था आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर के बराबर, ये डिस्टेंस आनी चाहिए। आगे समझो बेटे, तो तब जाकर के क्या होगा, पहले लेंस पर जो रेज इंसिडेंट हुई है वो रेज रिफ्लेक्ट होकर के इस प्रकार इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या?
अगर आपको टी पता करना है तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर मतलब 35। अच्छा यहाँ पर हम इंटेंसिटीज का रेशियो पता कर सकते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसमिट इमर्जेंट ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो फिर से आप कंसेप्ट क्या यूज करोगे, I2 by I1 is equal to A1 by A2, it is equal to D1 square by D2 square, this is D2 और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है D1। अब देखो ये पॉइंट है A, ये है B, इधर वाला ले लेते हैं F, इसको ले लेते हैं C, ये है। तो देखो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, दिस इज अ कंप्लीट वन स्ट्रेट लाइन राइट, और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF, ट्राइंगल ABF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDF। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटे, ए बी डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय 50। तो ए बी डिवाइडेड बाय सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 बाय। एंड व्हाट इज ए बी, ए बी इज नथिंग बट डी वन, सी डी इज डी टू, तो 5 से कैंसिल कर दो तो 4/3 आ जाएगा। इसका मतलब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा बेटे, 16:9। सर हाँ बेटे, सर पर ये सिर्फ 100% ट्रांसमिशन के लिए रहेगा ना, और सब 100% ट्रांसमिशन के, जो कि जनरली अपन मान लेंगे है ना, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ रिफ्रैक्टेड रेज ही कंसिडर कर रहे हैं, मतलब विच इज अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा एरर कर। अब देखो इसमें कुछ बातें और हैं कि फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस अलग अलग पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ कहाँ पे बनती है, पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग। देखो कुछ पोजीशन के लिए तो अपन देख ही चुके हैं ऑलरेडी है ना। अच्छा ये पता लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूला हमारी बड़ी मदद करेगा, कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है dv by dt is equal to v square by u square times du by। देखो क्योंकि ये v square by u square वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं dv by dt and du by dt will always be in same direction, will always be in same direction।
मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में इमेज भी जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस, हमेशा यही रिलेशन रहेगा। अब देखो ये लेंस, हमने ऑब्जेक्ट को इससे 2f डिस्टेंस पे रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख, तो इमेज भी 2f पर बन जाती, दूसरी साइड पर 2f डिस्टेंस पर इमेज बन जाती है, मैं पता। तो देखो ऑब्जेक्ट अब ये जो 2f है ना ये माइनस है, ये कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं अपन। कन्वर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट को आपने रखा माइनस टू एफ पर, तो इमेज कहां पर बन गई? प्लस टू एफ पर। ठीक है, ऐसा होता है। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने माइनस टू एफ से किधर मूव करवा दिया? माइनस इंफिनिटी पर, माइनस टू एफ से माइनस इंफिनिटी पर। अभी अभी हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में गया है तो इमेज भी टू एफ से लेफ्ट में जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, ये भी हमें। तो इमेज बेसिकली कहां से कहां मूव करी बेटे? इमेज मूव करी 2f से f के बीच में। उसी तरह से अगर मान लो ऑब्जेक्ट माइनस 2f से माइनस f की तरफ जाता, इधर जाता राइट साइड, तो इमेज भी राइट साइड में मूव करती। और जब ऑब्जेक्ट माइनस एफ पे चला जाता तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाता। यानी जब ऑब्जेक्ट मूव किया माइनस टू एफ से माइनस एफ, तो इमेज मूव कर गई प्लस टू एफ से इन्फिनिटी, इमेज मूव कर गई प्लस टू एफ से। और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा माइनस एफ से पोल के बीच, मतलब इस रीजन राइट साइड, तो अब इमेज कहाँ मूव करेगी? भैया इमेज तो पहले इंफिनिटी पे बन चुकी थी, वर्चुअल। अब वर्चुअल इमेज बनना चालू हो जाएगी। अब इमेज अचानक से लेफ्ट में पहुंच जाएगी माइनस इंफिनिटी से, और माइनस इनफिनिटी से चलते चलते इमेज भी पोल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पोल पे बनेगा तो इमेज भी पोल पे बनेगी। देखो ये सारी इमेज रियल है, ये रियल थी, ये भी रियल थी, ये भी रियल थी, लेकिन ये कैसी है? दिस इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट को जब लेंस के सामने फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन v बाई u होता है बेटे, है ना? तो इस केस में देखो इमेज का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। यहाँ पर भी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड इमेज यहाँ भी बनेगी, और इस केस में भी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड इमेज यहाँ भी। इसमें तो सेम साइज की बन जाएगी, यहां पर अगर डिस्टेंस कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस कम है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज पर, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन वन आएगा ना बेटे, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड वी बाई मॉड यू, मॉड वी कम है मॉड यू से, तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन वन आएगा, यानी छोटी इमेज बनेगी। इस पर्टिकुलर केस में
मॉड वी बाई मॉड यू ग्रेटर देन वन आएगा, इस मतलब इस केस में इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज। और इस केस में भी इमेज कैसी बनेगी, इस केस में एक तो इरेक्ट इमेज बनेगी क्योंकि यू भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव, तो एम पॉजिटिव इरेक्ट इमेज बनेगी। और इस केस में भी कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड। Real inverted same size, real inverted depressed, real inverted enlarged, virtual erect and ये बात समझ आई बच्चों? तो एक concave, ये सारे के सारे object कैसे थे, real object की बात कर रहे हैं। All these are basically real objects. Real object की real image भी बना सकता है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। रियल की जब रियल बनाएगा तो सेम साइज भी बना सकता है, डिमिनिश भी बना सकता है, एनलार्ज भी बना सकता है। लेकिन जब रियल की वर्चुअल बनाएगा तो हमेशा एनलार्ज ही बनेगी। और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट is always inverted. And virtual image of the object will always be erect. ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब देखो क्या होगा बेटे, एक डाइवर्जिंग लेंस अगर है हमारे पास सर। हाँ सर, ये अगले लेक्चर में करो ना। अच्छा ऐसा क्या? ओके ओके ठीक है बेटे, ठीक है। बस एक छोटी सी बात मैं बता रहा था, डाइवर्जिंग लेंस जो होगा, डाइवर्जिंग लेंस इट विल ऑलवेज फॉर्म virtual diminished and erect image of a real object. इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है बेटे, कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव है। इसके सामने अगर आप एक ऑब्जेक्ट को रखोगे, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज इस तरह की है, और उन रेज का ये क्या करने वाला है, उन रेज को ये और डाइवर्ज कर, तो अगर इस तरह का रहेगा तो इसका मतलब तो क्या है, इसने बेसिकली कैसी इमेज बना दी बेटे, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज ही तो बना दी। क्यों भाई?
यस सर। और देखो मैंने कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं ली है ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट रखो, उससे निकलने वाली रेज जब इस लेंस पे गिरेंगी तो इनको और स्प्रेड कर देगा, और स्प्रेड कर देगा तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे ही आएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा ही होगी इमेज डिस्टेंस से। इसका मतलब हमेशा डिमिनिश्ड ही बनेगी और वर्चुअली बनेगी, और वी और यू दोनों नेगेटिव हैं तो इरेक्ट इमेज की। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए हमें ध्यान रखना। ये बात समझ में आती बेटे? ठीक है, तो बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे सर। हाँ हाँ बेटे, होमवर्क आपका क्या रहेगा? देखो होमवर्क में आप सेक्शन एफ जो है ना उसका पार्ट वन और पार्ट टू में दोनों में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर नाइन तक कर सकते इन बोथ पार्ट वन एज वेल एज पार्ट। हाँ बोलो बेटे, आप क्या बोलते? बोलो भाई, कुछ बात बोल रहे। हाँ सर, सर एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है और उसका मतलब जब इमेज बना तो इमेज से मैग्निफिकेशन उसका 0.5 हुआ, तो फिर सर ये डिमिनिश्ड रहेगा कि मैग्निफाइड रहेगा? हाँ, मैग्निफिकेशन कितना हुआ 0.5, तो डिमिनिश्ड ही कहेंगे उसको। डिमिनिश्ड कहेंगे सर। हाँ डिमिनिश्ड ही कहेंगे। बस ये है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है तो हाइट ऑफ इमेज भी जीरो ही आ जाएगी, है ना? Yes, sir. बस सर उतना का। ठीक है बेटा। सर नोट्स? हाँ नोट्स 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 एक मिनट। हाँ बेटा, ये नोट्स मैंने भेज दिए हैं, मिल गए क्या आप लोगों? हाँ सर। ओके बेटा, ठीक है, फिर अगली क्लास में अपन मिलते हैं। सर एक मिनट डाउन, सर ये वाले टेस्ट में कहाँ तक आने वाले है पोर्शन में? कौन से? जो 20 को होगा। यस सर। लेंस, लेंस पूरा आएगा, मतलब लेंस के बाद वाला सेक्शन, मतलब सेक्शन जी तक, अप टू सेक्शन जी। ओके सर, थैंक यू। हो गया सर। ठीक है बेटा।